सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सह पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से स्पष्ट कहा कि अगर विधायक अकेला यादव पंचायत जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करे तो आप उसका खुलकर विरोध करें। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि आप नियम संगत कार्य करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, किंतु अगर आप सिर्फ विधायक के इशारे पर गलत काम करेंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही कहा कि अकेला यादव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसके लिए ये बौखलाकर उटपटांग हरकत कर रहे हैं। वही बरही मुखिया संघ अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अधिकार व प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया तो उसे हमारा संघ बर्दाश्त नहीं करेगा, और विधायक का यही रवैया रहा तो पंचायत स्तर पर भी विरोध किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल जिला परिषद उपाध्यक्ष किशुन यादव ने कहा कि विधायक अकेला यादव अगर जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन किया तो उसका जमकर विरोध किया जाएगा। जिला परिषद सदस्य प्रीति कुमारी ने कहा कि विधायक अकेले यादव ने उन्हें नहीं एक महिला जनप्रतिनिधि को अपमानित किया है, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कहा, जनता ने ताज दिया तो उसे उतारना भी जानती है। सांसद प्रतिनिधि अर्जुन साव, चौपारण मुखिया संघ अध्यक्ष वीरेंद्र रजक, चौपारण प्रमुख पूर्णिमा देवी, भाजपा नेता सह मुखिया मोतीलाल चौधरी, पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष राजदेव यादव, जीप सदस्य प्रीति कुमारी के पति सह विहिप जिला सहमंत्री गुरुदेव गुप्ता आदि ने संबोधन में विधायक का निंदा किया। मौके पर भाजपा के भारी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हुआ ये कि हम लोग कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग को बुलाया गया था केदारुत गांव के खेरौन गांव में, केदारुत पंचायत के खेरौन गांव में, जो वहां पे सोना सोवरण योजना, जो साड़ी धोती लुंगी का योजना है वो वितरण होना था, तो हम लोग को बुलाया गया। हम लोग वहां पे गए और वहां पे गए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे विधायक जी भी आना है, वो आएंगे तो कार्यक्रम स्टार्ट होगा, तो हम लोग उनकी प्रतीक्षा करने लगे कि वो आएंगे तो हम लोग कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। तो समय को सदुपयोग करते हुए हमने सोचा कि कुछ बातें जो है हम जनता के बीच रखते हैं, अपनी जो योजना है मैं उनको बताऊंगी कि हमारे हमारे पास जो योजना है वो आप लोग इसको अगर चाहेंगे तो उसको कर सकते हैं। तो ये इन्हीं बातों को हम लोग सब जनता को बता रहे थे, तो उसी बीच हमारे माननीय विधायक जी आए अकेला जी, तो वो कहने लगे कि यहाँ वो देख करके हम लोग को आग बबला हो गए। पहले वो आए तो हम लोग उनके सम्मान में खड़े हुए, उनको चेयर दिए, प्रणाम किए, और वो दूर से ही आते हुए हम लोग को इतना मतलब कि तिरस्कार किए कि नहीं नहीं भागे यहाँ से, आप लोग को कौन बुलाया, सो जनप्रतिनिधि को कौन बुलाया, यहाँ पे जनप्रतिनिधि का नहीं रहना है, सो सिर्फ सदस्य रहेगी, जो नव निर्वाचित है वही रहेंगे, तो क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि जनप्रतिनिधि जो है वो नहीं रहेंगे साथ में। मैं एक लेडीज हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अकेले कहाँ जाऊंगी, आप विधायक है तो आप दो गाड़ी चार गाड़ी जितना मन करे ले। वो भी जनता के चुनाव से जीत के जनता के मत पे होके आते हैं, वो भी मेहनत करके आते हैं, उनको भी जनता का मतदान समर्थन मिलता है तब यहाँ आते हैं, लेकिन उनका मनमानीपन है, उनका मनमानीपन है कि सब जगह हम बांटेंगे। अभी हम आज अखबार पढ़ रहे थे, हिंदुस्तान अखबार पढ़ रहे थे, हिंदुस्तान अखबार में जो गुरुदेव और प्रीति का जो संस्करण आया, विधायक से शोक शोक का फोटो निकला था, देख रहे थे, पढ़े न्यूज, इसके नीचे लिखा हुआ है कि चलपुस्ता में बेरो कला में बरकट्ठा में वहाँ का मुखिया फीता काटा, वहाँ का मुखिया विद्या मुखिया या जिला परिषद मिलकर वहाँ पर वहाँ पर धोती साड़ी बांट रहा है। बरकट्ठा में कहीं भी जाइए धोती साड़ी सब झुंझुना झुंझुना बजाएगा क्या? हम बता देना चाहते हैं कि झुंझुना बजाने वाला विधायक यहाँ प्रतिनिधि नहीं है, जिला परिषद है, या झुंझुना बजाने वाला मुखिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।